क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको खजूर इतवार पर्व के बारे में बताऊंगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलिसिया खजूर इतवार का पर्व मनाती है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है संपूर्ण कलिसिया के लिए। मत्ती अध्याय 21 पर संख्या 1 से 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रभु यरूशलेम में एक गधी के बच्चे पर बैठकर वे वहां से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। वे उनके आदर में कपड़े बिछा देते हैं और खजूर की डालियां लिए उनका स्वागत करते हैं, उनका स्तुतिगान करते हैं और उन्हें राजा एवं मुक्तिदाता कहकर पुकारते हैं। आज प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और दो मुख्य बातें हमें समझाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि प्रभु की मुक्तिप्रद योजना के लिए, रहस्यमय योजना के लिए वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और उनके दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान के जो रहस्य है, उन रहस्यों को प्रभु आज हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु का यरूशलेम में प्रवेश यह बताता है कि जिस प्रकार से यहूदी जनता प्रभु की प्रतीक्षा में थी और वही मुक्तिदाता आज उनके बीच में है। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उनके बीच में से वह जा रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 में लिखा है कि यह चित्र स्वर्ग का है। वाकई यह चित्र स्वर्ग का है। इस खजूर रविवार के दिन विशेष रूप से राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु का स्वागत करें, हमारे हृदय में उन्हें राजा का स्थान दें, क्योंकि वे संसार के ही नहीं हमारे सभी के हृदयों के भी राजा हैं। आइए हम अपने हृदय में प्रभु को बुलाएं और उनकी आराधना और स्तुति करें।